हम दोस्तों एक और लाजवाब सफर पर निकल चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, मगर चढ़ते ही हमें भूख लग गई तो कुछ हल्का फुल्का हमने खाने के लिए ले तो लिया। उसके बाद में बारी आती थी इस शानदार एक्सप्रेसवे को कवर करने की। कवर करते करते हमने आपको गंजे गंजे पेड़ दिखाए, यानी कि अरे भाई इतनी भयंकर जो विंड चलती है उससे जो गंजे हो जाते हैं। उसके बाद में रास्ते में मालगाड़ी तो दिखी तो हमने भैया फ्लाईओवर लेके इसको क्रॉस कर लिया, मगर वहीं दूसरी ओर पैसेंजर ट्रेन ने हमारा रास्ता रोका। मगर कोई बात नहीं, इतने लाजवाब और खूबसूरत मौसम में तो भाई कुछ भी चलता है। बस अपना पहाड़ी एरिया तो चालू होने ही वाला है, मगर पहाड़ी एरिया चालू होने से पहले भाई इतना प्यारा रास्ता जो ये स्टार्ट होता है ना, पहाड़ी एरिया की एक फील दिला देता है। मगर बीच में जब हमने देखा तो यार ये टेम्पू पूरा का पूरा ट्रक भाई कैसे मलबे में धंसा हुआ है, और भाई ये तो भयंकर बारिश का अंदेशा लग रहा है मुझे। चलो जल्दी अपना काम खत्म करना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरीके से बीता दोस्तों आज का अपना ये दिन। हमारी वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। थोड़ी थोड़ी देर में भाई स्ट्रेचिंग ब्रेक लेते रहना चाहिए। जैसे इस टाइम पे स्ट्रेचिंग ब्रेक मैंने लिया है भाई इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है। गाड़ी की एक बार मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ, ये देखो बाप रे बाप। आज वही बात है ना, बारिश का मौसम होगा तो देखो गंदी तो होनी होनी है। चलो कोई बात नहीं, मगर इस इतनी जो गंदी हुई है ना इसको साफ़ करने में उतना ही मज़ा आता है। तो चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये वाला निशान हो जाता है ना इसको थोड़ा सा क्लॉथ से क्लीन कर देते हैं। बाकी वाइपर तो मेरे पास में है जिससे पूरा विंडस्क्रीन साफ़ हो जाएगी, उसकी ज़रूरत है नहीं इस टाइम पर। तो पीछे मेरे पास में क्लॉथ रखा होगा, वो उसे मैं क्लीन कर देता हूँ। उसे आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बाप रे, अंदर का मैट भी बहुत गंदा हो रहा है। और ड्रोन को मैंने यहीं पर चार्जिंग पे लगा रखा था क्योंकि मेरे पास में एक ही बैटरी है। अभी जो मैंने आप ड्रोन शॉट दिखाया ना तो उसमें मेरी 50% बैटरी लग गई थी। तो अब एक ड्रोन शॉट मुझे और लेना है तो मुझे बस यही है कि बेकार में बिल्कुल ही अगर 10 या 5-7% पे आ गई ना तो मेरे को दिक्कत होगी। तो प्रिकॉशनरी मैंने गाड़ी में ही इसको चार्जिंग पे लगा दिया था। बाकी एक्स्ट्रा बैटरी पैक्स की ज़रूरत है नहीं क्योंकि जब एक बार ड्रोन शॉट लेते हैं तो आधा या पौना घंटे का गैप ज़रूर होता है, उतने में आपका चार्ज बड़े आराम से हो जाएगा। आधे आधे घंटे में फुल 100% चार्ज हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। देखो जी, यहाँ पे स्पेशली मैंने भाई एक चीज़ दिखाने के लिए गाड़ी रोकी है। हाईवे पे ट्रैफिक तो चल रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर। ये जो आपका बोर्ड है ना, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, भाई यही खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी बोले तो इसको क्रॉस जब हम करेंगे तो 5 मिनट के डिस्टेंस में भाई जो कैमरा आता है ना उसका एक्चुअल में चलान आता है। इसलिए ये मत करा करो कि गाड़ी तेज़ी से दौड़ाओ, उस टाइम पर ज़रूर लिमिट में रखो तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है। 2 बार मेरे चलान वहाँ पे आ चुके हैं। बाकी एक तरफ मैं आपको अगर ये दिखाऊं तो ये देखो सारे के सारे पेड़ जो है ना, इनको आप ये कह सकते हो भाई गंजे हो चुके। जान तो है इनमें, बट इनमें जैसे ही पत्ते पत्ते आते होंगे ना तो यहाँ पे हाईवे के कारण पूरा का पूरा खुला हाईवे है ये देखो, जिसके कारण इतनी ज़्यादा भयंकर विंड ब्लास्ट होती होगी कि ये पूरे के पूरे गंजे हो चुके हैं। हो सकता है कुछ कुछ सूख भी चुके हों, बाकी इतना क्लोज में तो जाके हमने नहीं देखा है। ये देखो इतनी दूर से हम आपको वहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि अभी नहीं दिख रहा था। तो चलो आओ चलते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, ये देखो अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे भी 2-4 बूंदाबांदी आ चुकी है। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको दोस्तों सामने दिख रहा हो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ पर है वो कैमरा। वो दिख रहा है कैमरा वहाँ पे,
जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है, मतलब डंडी बीच रोड में आ रखी है, वही कैमरा है। तो कैमरा आ चुका है, मात्र 2 से 3 मिनट ही गाड़ी चली है, तो भाई कैमरे से सावधान। बताओ, इस रूट से इतनी बार आ चुके हैं तो हमें पता भी नहीं था भैया यहाँ पर रेल की पटरी है और वो जा रही है मालगाड़ी। ये देखो जी, क्लियर आ रहा है, ये देखो मालगाड़ी जा रही है। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा नीचे से क्या लेनी गाड़ी, चलो फ्लाईओवर के ऊपर से ही ले लेते हैं। बाय बाय चुक चुक गाड़ी। कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी कुंजियां। हम एंटर कर चुके हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार को हम पार कर चुके हैं। राजा जी नेशनल पार्क का आपको यहाँ पे बोर्ड दिख गया होगा। देखो मैं इस पे गया तो हूँ नहीं, मेरे ख्याल से एंट्री वगैरह इसकी यहीं से ही होगी, मतलब हरिद्वार का फ्लाईओवर वगैरह पार करने के बाद में। बाकी आप पता कर सकते हैं सुबह कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, वो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो तो आप नेट पर सर्च कर लेना, सीजन के हिसाब से होता है। बाकी इतना मुझे कन्फर्म्ड है इनसे, मैंने ये चीज़ पूछी थी कि भाई आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास में पर्सनल कार है एंड दैट इज एन SUV, बड़ी गाड़ी है, तो क्या आप हमें अपनी गाड़ी भी ले जाने दोगे? तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी, हम आपको अपनी गाड़ी नहीं ले जाने दे सकते हैं, क्योंकि जंगल का मामला होता है, रिस्की होता है, इसलिए हमारी ही जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, जो अपना इनकी जाते हैं ना जिप्सी ग्रीन कलर की, तो भाई जिप्सी में ही ये लोग भेजते हैं। कोई नहीं, वो भी ठीक है अपना। बाकी ऐसे मौसम में आओ जब यहाँ पे ज़्यादा धूप वगैरह ना हो। आज का जैसा मौसम है, आज मौसम बहुत गजब है भाई, इतनी प्यारी सी, मतलब उस तरफ धूप निकली हुई है, यहाँ तो धूप भी नहीं निकली हुई है और बादल छाए हुए हैं, मज़ेदार, मतलब बहुत ही बढ़िया लाजवाब मौसम हो रखा है। बस इस मौसम में तो ये मन करता है भाई एक तरफ जो है ना चेयर लगा और मजे से इस मौसम का आनंद लो। ऋषिकेश के फाटक पे तो तकरीबन कंफर्म था कि हाँ भाई आज जो है ना हल्का फुल्का जाम मिलना है, क्योंकि आज ऐसा वर्किंग डे तो है नहीं, स्कूल की छुट्टियां वगैरह है, हो सकता है शायद कोई बोर्ड का एग्जाम हो या कुछ हो, खैर वो भी मुझे ऐसा बच्चों का तो रश नहीं लग रहा था, ये लोकल ट्रैफिक ही है यहाँ पे। यहाँ पे यार मैंने पहले भी बोला था सरकार को ना कुछ करना चाहिए इस जाम का, जो ये फाटक यहाँ पे लगता है एक फ्लाईओवर बना दो, जितने लोकल्स हैं वो फ्लाईओवर के नीचे से अपना इस्तेमाल करें और जितने सारे टूरिस्ट हैं वो अपना फ्लाईओवर के ऊपर से इस्तेमाल करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे जाम की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं लगा करेगा यहाँ पे जाम। चलो कोई नहीं, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से तो इस पॉइंट तक पहुंचे थे, सामने देखो फाटक दोबारा से बंद हो चुका है। चलो कोई बात नहीं भाई, ट्रेन को आने दो, ट्रेन आती है दोबारा दिखाते हैं, एक बार मालगाड़ी तो दिखाई चुके हैं, तो इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से ऋषिकेश के जो रेलवे स्टेशन है वहां से तो पैसेंजर ट्रेन ही आएगी। जो भी कहो, आज का मौसम तो भैया लाजवाब है, कितने मतलब कितने प्यारे तरीके से बादल लग रहे हैं, देखो हाँ बहुत ही बढ़िया लाजवाब मौसम है। चलो जी आखिरकार भैया ये पैसेंजर ट्रेन भी पार हो गई, अब हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। लग तो रहा है कि धूप निकली हुई मिलेगी हमें, धूप ना भी निकली हो कोई बात नहीं यार, बस बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। वापसी के रास्ते में जितनी मर्जी बारिश हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यार ये ट्रेन भी कितनी लंबी लंबी बनाते हैं। चलो कंप्लीट हो गई है, अब वहाँ पे फाटक खुलेगा, 1 2 3 4 खुल गया, चलो चलते हैं। पहाड़ी रास्ता चालू होने से पहले ना मतलब फील सी आने लगती है कि हाँ यार, मतलब बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर हो जाता है, मंद मंद प्यारी प्यारी हवा चलने लगती है। खैर हवा तो देखो इस टाइम पे तो मुझे पता नहीं चल रही क्योंकि मैंने एसी चला रखा है, बट हाँ अगर आप विंडो भी खोल के चलाओगे तो प्यारी प्यारी हवा आने लगेगी। और जिस तरीके का ये जो रूट बनाते हैं ना, दोनों तरफ पेड़ ही होते हैं,
और बीच में से रास्ता निकला हुआ होता है, बहुत ही लाजवाब लगता है भैया। मतलब क्या बताऊं, इन सब चीजों को ना शब्दों में बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चलो आप लोग रास्ते का मजा लो। अब एक बार जो है ना पहाड़ी रास्ते में चढ़ने लगे, फिर माता रानी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगा, देखो मैं बाहर से, मगर जरूर दिखा दूंगा जब भी आप आओ। तो दो रास्ते कटते हैं, एक तो लेफ्ट साइड को आगे टहरी गढ़वाल की तरफ रास्ता कटता है, और राइट साइड जो है बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ रास्ता कटता है। तो वो टी पॉइंट पे माता रानी का मंदिर है, बहुत प्रतापी मंदिर है। जब भी इस तरफ आओ तो माता रानी के दर्शन करके जरूर जाओ। देखो जी सामने सारे के सारे पहाड़ दिख रहे हैं, तकरीबन 2 मिनट के अंदर हमने चढ़ाई चालू कर देनी है। बोलो माता रानी की जय, और बस चढ़ाई चालू कर दो। वहां पर देखो वो वाला ट्रक कैसे मलबे में धंसा हुआ है। लो जी पहाड़ी रास्ता चालू हो चुका है। एक चीज जरूर ध्यान रखा करो, गाड़ी वही लेके आओ जिसका पिकअप बहुत अच्छा हो, मस्त हो। अगर गाड़ी के पिकअप में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो जिस टाइम पे पूरा का पूरा यू टर्न कटता है, सामने से देखो एक बस कट रही है वहां से, तो अगर आपका पिकअप अच्छा नहीं होगा ना, तो गाड़ी वहीं के वहीं पीछे लुढ़कने लगेगी, और फिर उसको संभालना कभी कभार काफी दिक्कत हो जाता है। ये तो फिर भी हल्का फुल्का टर्न है, इसमें इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ आगे मेजर मेजर टर्न्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने हमारी मसूरी की सीरीज देखी होगी ना, तो मसूरी की सीरीज में हम लोग गए थे लैंडोर कैफे, तो लैंडोर कैफे के रास्ते अरे बाबा बड़े खतरनाक थे, बिल्कुल मैकलोडगंज को भी मात दे रखी थी। मैकलोडगंज में तो थोड़े बहुत ही रास्ते वैसे थे बिल्कुल खड़ी चढ़े वाले, लैंडोर कैफे में तो बहुत ही ज्यादा भयंकर भैया, ऐसे रास्ते मैंने तो देखे नहीं। और मुझे तो खैर ये भी नहीं पता था कि मसूरी में लैंडोर कैफे नाम की ऐसी कोई जगह भी है। अब ये देखो ये चंडीगढ़ वाला जो बंदा है ना, ये सायरन पे सायरन बजाया जा रहा है, आगे निकालता है, फिर थोड़ी देर बाद में मैं देखता हूँ ये मेरे पीछे से आ रहा है। माँ भाई पता नहीं क्या बात है, क्या करता है ये, कहाँ पे लेता है, मगर इसको बीच बीच में चुल मच जाती है, आगे निकाल लेगी। चलो निकालने दो, अब इसको एक काम करते हैं, ये सायरन बजाता चला जाएगा, आगे निकालता चला जाएगा, और हम इसको फॉलो करते चले जाते हैं फटाफट। रोड पर अगर आप नजर मारोगे ना, तो भाई यहाँ पे सारा का सारा रोड गीला हो रखा है, ये थोड़ा सा सूखा सा आ गया है, बट नीचे का रोड एकदम से जैसे मैंने ऑन करा था भाई उस टाइम पे बहुत गीला था, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूखा है, बट अपनी उम्मीद यही है यार बस ऊपर बारिश ना मिले। यहाँ पे देखो बीच बीच में गीला आ रहा है, बीच बीच में सूखा है। चलो अब इन लोगों को देख लो, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई बीच रास्ते में खड़े होके, हैं अपना सेल्फी लेनी है, कुछ लेनी है, कहीं और जाके लो भाई, यहाँ पे इतनी जगह तो होती नहीं है कि गाड़ी खड़ी हो जाए, तो पीछे से काफ़ी हैवी ट्रैफिक आ रहा होता है, तो ध्यान से गाड़ी काटनी पड़ती है। आप लोग भी भाई ध्यान से यहाँ से गाड़ी काटा करो अच्छे से। यहाँ पे ना ये वाला जो व्यू पॉइंट है ना, है बहुत बढ़िया शानदार व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरी की पूरी वैली दिखती है। चलो अभी तो हमें, हमारे पास में इस टाइम पे तो भैया टाइम नहीं है, तो मैं आगे आगे लेता चला जाऊंगा। अरे दूल्हे साहब की गाड़ी क्या हो गया, इसमें फूल चिपका रहे हैं। अभी दूल्हे साहब जो है ना आगे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तैयार तो हो चुके हैं, खैर मतलब किसी और गाड़ी जो रुकी हुई थी उससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं हमें क्या करना, मगर हाँ ठीक है, अच्छी खासी गाड़ी सजी हुई थी, उसे मेरे ख्याल से ऑर्चिड्स लगा रखे थे, ऑर्चिड्स जो कि खिले नहीं थे, ब्लू हाँ पर्पल और पिंक से कलर के। अब ये जो एरिया भाई पहाड़ी एरिया, इसमें आपको दिख रहा होगा कि काफी सारे पेड़ जो है ना गंजे गंजे से हो रखे हैं, सूखे भी पड़ गए हैं, समझ नहीं आता है कि किस लिए हो गया भाई, या तो इनकी लाइफ ही इतनी होती होगी, कुछ होगा जो भी होगा, अपने को क्या करना, अपने को तो बस रास्ते को सफर तय करते चले जाओ। बाकी ये वाला जो रास्ता है ना सबसे खतरनाक है, वन ऑफ दी खतरनाक रास्ता इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कमजोर कह लो, ढीली मिट्टी कह लो। ढीली मिट्टी से क्या होता है ना, जैसे ही बारिश का एकदम बवार होता है या मानसून होता है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। इंडिया के जो मैक्सिमम पहाड़ है ना वो बड़ी ढीली मिट्टी से बने हुए हैं। अब ये भी देखो सारा का सारा यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी, सरकार ने वो तो रिपेयर कर रखा है इसको, बीआरओ ने,
कोई नहीं, चलो अब जो भी है अब क्या कर सकते हैं भाई, अपनी मिट्टी इस तरीके की है तो, मगर जो भी है भाई, इंडिया तो इंडिया है, इंडिया का मुकाबला कहीं पर भी कोई भी देश कभी नहीं कर सकता है। जितनी संस्कृति यहाँ पर है, जितनी कल्चर की वैरायटी भैया यहाँ पर है, वो कहीं नहीं हो सकती है। हर तरीके का आदमी मिल बांट के रहता है, खुशी खुशी रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जहाँ पे हम रहते हैं, अगर आपने वो एरिया देखा होगा तो वो एरिया जो है काफ़ी कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड होने के कारण थोड़ी सी फॉर्च्यूनर निकालने में दिक्कत होती है और बाकी गाड़ी भी थोड़ी बहुत निकालने में दिक्कत होती है, बट ठीक है, अब आदत पड़ी हुई है क्योंकि बचपन से यहीं पर ही रह रहे हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि यार आप एक काम करो ना, इसमें से यहाँ से छोड़ के बाहर ले लो, बाहर ले लो। हम बाहर क्यों ले भाई, यहाँ पर सारे लोग मुझे जानते हैं, हर तरीके से मेरी मदद हो जाती है, मैं उनकी मदद कर देता हूँ, बहुत कुछ है यार। इंसान को सिर्फ अपनी परेशानियों से भाग नहीं सकता है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जगहों पे ले रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे ना गाड़ी निकालने में, एंट्री करने में दिक्कत होती है। मैंने कहा एंट्री करने में तो दिक्कत होती है, मैं मान गया आपकी बात, मगर मेरे भाई आप ये बात बताओ, ओहो लैंडस्लाइड कितनी हो रखी थी यहाँ पे। मैंने कहा भाई मेरे भाई आप ये बात बताओ कि आपको यहाँ पे तो दिक्कत है और आप जहाँ पे जाओगे वहां पे दिक्कत नहीं होगी क्या? आपकी किस्मत की जितनी भी परेशानियां हैं वो आपका पीछा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने वाली है। बस ये है परेशानी जो है ना, परेशानी की वैरायटी चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गाड़ी निकालने घुसाने की दिक्कत है, वहां कोई और परेशानी आएगी, मगर आती जरूर है। तो भैया सबसे बेटर तरीका है, जहाँ पे रह रहे हो वहाँ मस्त रहो, गेट कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, जाना चाहते हैं हमने कौन सा मना करा, जाओ भाई कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंकल जी थोड़े से आराम से चला रहे हैं तो हम भी थोड़े से आराम से चला लेते हैं। यार केले ना मुझे बीच में दिखे तो थे, बट मुझे लेने याद नहीं रहे, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा था कि यहाँ पे बारिश हो रही होगी या कुछ ऐसा ही होगा, तो जिसके कारण यहाँ पर मंकीज वगैरह कम मिलेंगे, और एक्चुअल में कम है, एक दो ही मंकी मुझे यहाँ पर दिखे हैं। वही है, एक आध दर्जन केले ले आता तो भी इनका काम तो हो ही जाता, बेचारे को कुछ तो मिल ही जाता। चलो अब आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपना रास्ते को पार करते चले जाते हैं। ये वाला जिस पहाड़ पे हम जा रहे हैं ना, मात्र 20 मिनट के अंदर ये इतनी हाइट पे पहुंच जाता है, सी लेवल से अगर मैं बात करूँ ना तो 3000 मीटर का सी लेवल से ये हाइट हो जाती है, ये 2500 से 3000 मीटर सी लेवल से हाइट हो जाती है। मुझे कैसे पता, मैंने नेट पे सर्च कर लिया था जहाँ पे हम जाते हैं वो चीज़, तो इसलिए वहाँ पे शादियों का सीज़न चल रहा है। शादियों के सीज़न से याद आया कि इस वीक में जैसे जब हम घर पे पहुँचेंगे तो मंडे टू फ्राइडे में सिर्फ मंगलवार छोड़ के मंडे टू फ्राइडे लगातार शादियों में ही जाने जाना है। बस अब यही है कि यार गला वाला ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक रहे, पहले ही काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा है। 2 दिन पहले तो मेरी बिल्कुल आवाज़ बैठ गई थी, तब तो मेरे को ये लग रहा था कि बस, इसलिए मैंने ट्रिप थोड़ा डिले करा कि मैंने कहा अगर आवाज़ बिल्कुल बैठी रहेगी और मैं ट्रिप करूँगा तो मैं बोल कैसे पाऊँगा, तो थोड़ा सा गार्गल वगैरह करे अपना और जो है गले की देख रेख करी थोड़ी बहुत, उसके बाद में ठीक हुआ। तो चलो अब हम आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दोस्तों जरूर दबाना, याद रखें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थोड़ी गड़गड़ आवाज़ इसलिए कर रही है क्योंकि थर्ड गियर फोर्थ गियर में डली हुई है और गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी थर्ड गियर में डालने की, तो चलो कोई बात नहीं, अब पहाड़ी एरिया में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। कल की वीडियो देखना ना भूले, जो कि रहेगी इस पहाड़ी एरिया पे अपना काम कंप्लीट करने के बाद में दिल्ली वापस लौटने की, क्योंकि भाई रास्ता तो जितना भी हो, चाहे सेम हो चाहे नया हो, मगर एक्सपीरियंस हर दिन का कुछ ना कुछ नया ही होता है। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।